जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से आज एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो मैंने कैटेगरी को लेकर बनाया है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ किस में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ किस में आते हैं, पुलिस वाले किस में आते हैं, और जो हमारे आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले किस में आते हैं, या PSU वाले किस में आते हैं। PSU को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स ने सवाल पूछे थे, तो खास तौर पे उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या उनका खुद का बिजनेस है या मजदूर वर्ग हैं या रिक्शा चालक हैं, कोई भी है, तो उन सबको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि मैं सभी कैटेगरीज के बारे में एक एक करके बताऊं कि कौन किस कैटेगरी में आता है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम शुरू होने वाला है। तो अगर आपको सही कैटेगरी का पता होगा तो आपको एडमिशन के टाइम यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई गलती के चांस नहीं रह जाएंगे। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ कि साल 2020 में एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था, और जब उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया तो और उनको स्कूल में बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए, तो जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने गए तब उस स्कूल ने उनको बोल दिया कि आप कैटेगरी 1 में नहीं आते और आपके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट किया जाता है यानी कैंसिल किया जाता है। तो ये बात जो है बहुत आगे तक गई थी यानी कोर्ट तक गई थी। जो पेरेंट्स थे उन्होंने पिटीशन फाइल किया था कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल किया था, तो ये केस जो है बहुत आगे तक गया था। लेकिन उसके बाद आगे केस में क्या हुआ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सही कैटेगरी सही कोटे का चयन करें। क्योंकि अगर आप सही कैटेगरी सही कोटे का चयन नहीं करेंगे तो आपको आपके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी स्कूल के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है यानी कैंसिल किया जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और एक एक बात को सही से आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि कौन किस कैटेगरी में आता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम सिविल और डिफेंस में जो केंद्रीय विद्यालय यानी सिविल डिफेंस सेक्टर में जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल आते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कैटेगरी 1 में कौन कौन आता है। उसके बाद हम बात करेंगे IHL और प्रोजेक्ट के सेक्टर में जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल आते हैं उसमें कैटेगरी 1 में कौन आता है और कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6 में कौन आता है, ये उसके बारे में बात करेंगे। देखिए पहले नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरन नेशनल ऑफिशियल्स हु कम ऑन डिपटिशन और ट्रांसफर टू इंडिया ऑन इन्विटेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं चाहे वो ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल जब हो, साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सब उन सब के बच्चे जो है कैटेगरी 1 में आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉरन नेशनल ऑफिशियल्स जो यहाँ पर ये ट्रांसफर हैं या उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वाइट किया हुआ है अपने देश में, तो उनके बच्चे भी कैटेगरी 1 में आते हैं। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी 1 में और कौन कौन आता है ये बता देता हूँ। देखिए डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ITBP, BSF, CISF, CRPF, NSG, CAPF एक्सेट्रा, अगर इसमें किसी पैरामिलिट्री सर्विसेज किसी पर्सन का या किसी का रह गया और किसी विभाग का नाम रह गया तो वो भी कैटेगरी 1 में ही आएंगे। उसके बाद देखिए कैटेगरी 1 में और कौन कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज वाले आएंगे, मतलब जो रेलवे वाले हैं वो कैटेगरी 1 में आएंगे। लेकिन जो रेलवे में जो PSU में आते हैं, जो 11-12 PSU है रेलवे में, वो कैटेगरी दूसरे में आते हैं, मतलब कैटेगरी 1 में नहीं आते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो किस में आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरी 2 में कौन कौन आता है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉई ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि कैटेगरी 2 में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स जो है ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल इंप्लॉयज़ है ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, और जो PSU सेक्टर में इंप्लॉयज़ है उनके भी बच्चे जो है कैटेगरी 2 में आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो IHL वाले होते हैं यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग वाले, इनके बच्चे भी कैटेगरी 2 में आते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि PSU वाले किस में आते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि वो सभी जो रेलवेज़ के हैं, सेंट्रल रेलवेज़ के जो अदर PSU वाले हैं वो सभी इसमें कैटेगरी 2 में आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कैटेगरी 2 में और कौन कौन आता है, मैं बता देता हूँ, ऑल हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एग्जाम्पल के लिए IIT, जैसे कि मान लीजिए रुड़की में है, इसके अलावा खड़गपुर में है, तो जितने भी IIT के इम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी किस में आते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एम्स है न्यू दिल्ली में, ऋषिकेश, जोधपुर, भोपाल, रायपुर, पटना, भुवनेश्वर, ये सभी भी कैटेगरी 2 में आते हैं।
उसके आगे देखिए और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो PGIMR और ये जितनी आपको लिस्ट दिख रहे होंगे आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं कि अगर आपके इसमें अगर आपका भी इस लिस्ट में नाम होगा तो आप भी कैटेगरी 2 में आएंगे। उसके बाद और भी लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, नेशनलाइज बैंक। बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा था कि सर हम नेशनलाइज बैंक में हैं तो क्या हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो मैं उनको बता दूँ कैटेगरी 2 में आएंगे। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, ये सभी कैटेगरी 2 में आते हैं। उसके अलावा और भी बैंक्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे और भी लिखा हुआ है कि ऑल POC कंपनीज ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सभी भी कैटेगरी 2 में ही आएंगे। उसके बाद कुछ और भी लिस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं आप कैटेगरी 2 के लिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, ONGC, SAIL, BHEL, IOCL, CIL, ये सभी कैटेगरी 2 में ही आएंगे। उसके बाद और भी देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट हैं जो कि कैटेगरी 2 में आते हैं, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, BPCL और पावर ग्रिड, ये सभी कैटेगरी 2 में ही आते हैं। तो दोस्तों ये जितनी लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सभी कैटेगरी 2 की हैं। अगर इसमें किसी का रहेगा तो प्लीज़ एक बार गूगल करें या आप अपने विभाग से पता करें, वो आपको बता देंगे। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ला सकूँ आप सबके लिए, वो मैं लेकर आया हूँ, बट फिर भी अगर किसी का रह जाता है तो प्लीज़ आप एक बार अपने ऑफिस से पता करें, वो आपको सही सही जानकारी दे देंगे। या आप केंद्रीय विद्यालय स्कूल में, अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जाकर पता कर सकते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ तो मैं कौन सी कैटेगरी में आऊँगा। उसके बाद देखिए कैटेगरी 3 की बात करते हैं, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट में है और ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल जॉब में है, तो वो सभी किस में आएंगे, कैटेगरी 3 में आएंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूँ, एग्जांपल के देखिए नगर निगम और स्टेट की जो पुलिस है वो सभी क्या है कि कैटेगरी 3 में आते हैं। नगर निगम और स्टेट पुलिस मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कमेंट किए थे कि सर हम नगर निगम में है कौन सी कैटेगरी में आएंगे, सर हम स्टेट पुलिस में है कौन से में आएंगे, जैसे कि दिल्ली पुलिस में है या UP पुलिस में है, उत्तराखंड पुलिस में, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि उन सबको ही पता चल जाए। उसके बाद देखिए आगे कैटेगरी 4 में कौन कौन आता है, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो ट्रांसफरेबल हो चाहे नॉन ट्रांसफरेबल हो, वो सभी किस में आते हैं, इस कैटेगरी 4 में आते हैं जो ऑटोनोमस बॉडी वाले हैं। उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और जो PSC वाले, जो स्टेट के PSC वाले हैं, वो भी किस में आते हैं, कैटेगरी 4 में आते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग वाले यानी IHL वाले भी जो स्टेट के हैं, वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो कैटेगरी 4 में आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट स्कूल, ये जो भी इसके एम्प्लॉयज़ है वो सारे किस में आएंगे, कैटेगरी 4 में आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ऑल PSU कंपनीज कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट, यानी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में PSUs है, कंपनीज हैं, वो सभी कैटेगरी 4 में आएंगे उनके एम्प्लॉयज़। उसके बाद देखिए और भी कुछ लिस्ट है जो मैं स्टेट गवर्नमेंट के PSU की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको एक और बात बता दूँ, जैसे कि मैं रुड़की उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रुड़की उत्तराखंड के PSU की लिस्ट निकाली थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसी तरह से अपने स्टेट की गूगल कर करके निकाल सकते हैं कि उत्तराखंड का, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ लिखा है उत्तराखंड PSU, तो आप ऐसे ही वहाँ पर उत्तर प्रदेश के हैं तो UP PSU लिख सकते हैं, या आप मान लीजिए मुंबई से, मतलब महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र PSU लिख सकते हैं। आप मतलब अपने स्टेट का यहाँ पर नाम डाल करके गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये उत्तराखंड की लिस्ट थी, जैसे यहाँ पे वाटर कॉरपोरेशन है, उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड परिवहन निगम, ये सारे जो है ये PSU उसकी लिस्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक लिस्ट आपको दिखा दूँ एग्जांपल के लिए, इसी तरह से आपने अपने स्टेट की लिस्ट निकालनी है। दोस्तों उसके बाद कैटेगरी 5 की बात करते हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ फॉरन नेशनल हु आर लोकेटेड इन इंडिया ड्यू टू देयर वर्क फॉर एनी पर्सनल रीजन द चिल्ड्रन ऑफ फॉरन नेशनल वुड बी कंसिडर्ड ओनली इन केस देयर आर नो चिल्ड्रन ऑफ इंडियन नेशनल वेट लिस्टेड फॉर एडमिशन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी किसी कैटेगरी किसी कोटा में नहीं आते, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो किसी ऊपर वाले किसी भी कोटा में नहीं आते हैं, वो सभी कैटेगरी 5 में आते हैं। इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि फॉरेन नेशनल्स वालों के बच्चों को तभी एडमिशन मिलता है अगर इंडिया के, जो इंडियन नेशनल्स के अगर बच्चों की वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तब उनके बच्चों का नंबर पड़ता है कैटेगरी 5 में। उसके बाद देखिए कि यहाँ कैटेगरी 5 में और कौन लोग आते हैं, जो लोग सर्विस कैटेगरीज कैटेगरी 1 से लेकर के 4 में नहीं आते हैं या जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो सभी कैटेगरी 5 के अंडर में आते हैं, यानी कि कैटेगरी 1 से 4 के बीच में अगर आप नहीं आते हैं तो आप कैटेगरी 5 में आते हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखा है प्राइवेट जॉब एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड, फार्मर, बिजनेसमैन, दुकानदार, मजदूर वर्ग, रिक्शा चालक, ये सब जो है कैटेगरी 5 में ही आते हैं।
उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि वह अलग जो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी सब कैटेगरी 5 में आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट कोटा में आते हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी, अगर सरकारी जॉब नहीं है तो वो सभी कैटेगरी 5 में आते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया IHL प्रोजेक्ट सेक्टर केंद्रीय विद्यालय, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग विच आर द स्पॉन्सर ऑफ द विद्यालय, चिल्ड्रन ऑफ प्रोजेक्ट एम्प्लॉय एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हु आर वर्किंग लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट, चिल्ड्रन ऑफ रेगुलर काउंसिल ऑफ वार्डनेस एम्प्लॉयज एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल प्रोजेक्ट या IHL के जमीन पे बना हुआ है यानी लैंड पे बना हुआ है और उस केंद्रीय विद्यालय स्कूल को स्पॉन्सर कर रहा है प्रोजेक्ट या IHL, तो उसके जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोजेक्ट और IHL के इम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो एडवांटेज मिलता है, उनको कैटेगरी 1 में रखा जाता है IHL प्रोजेक्ट के सेक्टर के जो भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल होते हैं। ध्यान रखिए कि जो वहाँ पे मैंने आपको बताया डिफेंस और सिविल सेक्टर केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आर्मी वाले एयरफोर्स वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 1 में आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो सभी कैटेगरी 2 में चले जाएंगे। कैटेगरी 1 में यहाँ पर IHL प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं साफ साफ आपको बता दूँ कि कैटेगरी 1 में IHL प्रोजेक्ट में सिर्फ उन्हीं के एम्प्लॉयज़ आते हैं और कैटेगरी 2 आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा IHL प्रोजेक्ट, देखिए ऊपर लिखा है IHL प्रोजेक्ट सेक्टर केंद्रीय विद्यालय कैटेगरी 2, तो यहाँ पर कैटेगरी 2 में कौन आते हैं, जो बाकी जो डिफेंस और सिविल वाले हैं वो कैटेगरी 1 में जो आते हैं वो यहाँ कैटेगरी 2 में आते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है उनका सीक्वेंस, यानी 2 से लेकर के 6 तक चले जाएंगे। वहाँ 1 से 5 तक थे, यहाँ 2 से लेकर के 6 तक, यानी 2-6 कैटेगरी जो होगी यहाँ पर हो जाएगी। तो कैटेगरी 2 में ये हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कैटेगरी 2 में, और देखिए जो आर्मी एयरफोर्स जो मैंने आपको पहले बताया था वो आ जाएंगे। उसके आगे देखिए कैटेगरी 3 में कौन आ जाएगा, आप देख सकते हैं ऑल हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट जो थे वो सभी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी 4 में कौन आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कैटेगरी 4 में आ गया चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर एंड नॉट ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो अगर आपको देखना हो तो आप इसको रोक के भी देख सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये मैं आपको IHL का दिखा रहा हूँ कि एक एक कैटेगरीज यहाँ पर बढ़ जाती है IHL और प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। तो देखिए ये आ गया, उसके बाद कैटेगरी 6 आ जाएगी इसके नीचे, ये देखिए कैटेगरी 6 आ गया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो भी लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हो इसमें आएंगे। तो ये है दोस्तों, इसके साथ साथ एक और बात बता दो कि ऊपर एक दो जगह पर जो है सेंट्रल की स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी थी, तो वो बाई मिस्टेक यानी टाइपिंग मिस्टेक हो गया जिस कारण कि वहाँ पर ऐसे दिख रहा था। तो प्लीज़ आप इसको नोट ना करें कि स्पेलिंग मिस्टेक था, मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको जितनी अच्छी जानकारी हो सके जानकारी दे सकूँ। जैसे देखिए यहाँ सेंट्रल की स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ये बाई मिस्टेक हुआ था, तो आप इसको ध्यान में ना रखते हुए प्लीज़ आपके लिए जो मैंने जानकारी दी उसके ऊपर ध्यान दें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें आज की इस वीडियो में मैंने बताई ये सब समझ में आपको आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी पेरेंट्स का कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज़ आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हर क्लास को लेकर के, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के एडमिशन को लेकर के हर तरह की वीडियोस बना रखी हैं, हर कैटेगरी हर कोटे को लेकर के वीडियो बना रखी हैं। अगर आप उन सब वीडियोस को देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूँ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आप सब पेरेंट्स के कमेंट्स के रिप्लाई कर दूं। तो दोस्तों अब बात आती है कि इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल के बायो में मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप उस पर क्लिक करके सीधा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास शेयर करें ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में या किसी और क्लास में कराना चाहते हैं उन सबको मेरी वीडियोस के माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।